हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरबी को बॉईल कर लिया है, कट कर लिया है, तो इसे हम रख देंगे साइड में और मैं दिखाती हूँ इसके लिए आपको और क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको प्याज, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा अदरक। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अरबी ली थी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और अदरक ले लिया है। और उसके बाद हम चलेंगे और अरबी को फ्राई करेंगे। तो अरबी को बहुत ही कम तेल में हमें फ्राई करना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहो तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं अरबी को डाल दूंगी। तो अरबी को डालने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अरबी जो है वो बहुत कम टाइम में पक जाती है, एक या दो सीटी में पक जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे अरबी भूल गई थी अरबी रख के, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा पक गई है। तो इसकी 3 सीटियाँ लग गई थी, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा पक गई है। पर कोई बात नहीं, इसे मैं वैसे भी पका लूँगी, पर थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा पकने के लिए। तो आप देख सकते हो, तो अरबी को मैंने लो फ्लेम में रख दिया है। धीमी आंच में आप इसे पकाओगे तो धीरे धीरे ये पक जाएगी, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे जो प्याज, टमाटर और अदरक है, तो इसको मैं शुरू करती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अदरक को हमें कूटना है, प्याज को भी दरदरा पीसना है और टमाटर का पेस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन को कूट लूँगी। आप देख सकते हो मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। और कूटने के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अरबी भी पक रही है। तो मैं यहाँ पे अरबी को पका रही हूँ। मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी कि मैंने अरबी को ज़्यादा ही बॉईल कर दिया था, पर कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखना, इसे इतना ज़्यादा भी बॉईल मत करना वरना ये पकने में काफ़ी टाइम ले लेगी। तो आप देख सकते हो ये पकना स्टार्ट हो गई है। तो इसे उलट पलट के हम पकाते रहेंगे और फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज। प्याज को मैंने कट कर लिया है, हरी मिर्च ले ली है, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मैंने 3 से 4 ली है। और प्याज आपने देखा था, मैंने 4 प्याज लिए थे, 2 छोटे थे और 2 मीडियम साइज़ के थे। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी प्याज और इन्हें इतने ही बड़े टुकड़ों में हमें कट करना है और इसे दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है प्याज को, तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे काफ़ी दरदरा पीसा है। आपको इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप पेस्ट बनाओगे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो आपको इसे ऐसा ही पीसना है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इसे ऐसा ही पीसना है, आपको बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, हमारी अरबी थोड़ी सी पकने लगी है और आप देख सकते हो ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी होने लगी है नीचे से, पर इसे अभी और पकाना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा करूँगी क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा पक गई है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ेगा इसे, वरना ये उतनी अच्छी नहीं बनेगी। मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना होता है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा पकाऊंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा बॉईल कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी अरबी जो है वो पक के तैयार हो गई है। तो मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये कैसे पक गई है। काफ़ी टेस्टी लगती है ऐसे भी खाने में, आप इसे पकाओगे तो आप देख सकते हो इसे ऐसा ही पकाना है आपको, गोल्डन ब्राउन करना है। और उसे पकाने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में और हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। तो गाइस, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। मैंने इससे पहले 3-4 वीडियोस बनाए थे लेकिन वो डिलीट हो गए गलती से, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये 250 ग्राम के जितनी थी, मैं फिर से बता दूँ तो आप उसी हिसाब से अपना ले सकते हो जितनी भी आपको बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है साइड में और उसी पैन में मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल
और उसके बाद मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ कि क्या क्या मसाले इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और पंचफोड़न और अदरक लहसुन का कुटा हुआ, पेस्ट नहीं है सॉरी, कुटा हुआ है, और प्याज और टमाटर। तो इतना हमें पहले यूज़ करना है। तो यहाँ पे तेल हो चुका है गरम, तो मैं अब यूज़ करूँगी, सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं पंचफोड़न। तो पंचफोड़न आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा या आप घर पे भी बना सकते हो मसाले मिला के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंचफोड़न मैंने डाल दिया है, ये पकने लगा है एक साइड। तो दूसरी तरफ मैं डालूँगी यहाँ पे अदरक लहसुन कुटा हुआ। सॉरी मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, मैं उसे बाद में डाल दूँगी, थोड़ा सा बच गया है। तो मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, तब तक पकाऊँगी जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, इसमें से अच्छी सी स्मेल नहीं आने लगती, तब तक हमें इसे पकाना है। सबसे पहले हमें कुटकी में ऐड करना है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मैंने इसे एक मिनट तक पकाया था और उसके बाद ही हम इसमें दूसरा मसाला यूज़ करेंगे। तो मैं इसे पका रही हूँ और ये काफ़ी अच्छी स्मेल आने लगी है, और ट्रस्ट मी गाइस ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ज़रूर बनाना। तो और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, आपके घर में सब लोगों को कैसी लगी। मैं पहले बिल्कुल भी अरबी नहीं खाती थी, पर मम्मी ने ऐसा बनाना शुरू किया उसके बाद से तो मैं अरबी, मुझे बहुत पसंद है, मैं स्पेशली बनाती हूँ ऐसा। तो यहाँ पे ये अदरक लहसुन पक गया है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी प्याज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाया मैंने, इसको दरदरा पीसा है, तो आप देख सकते हो। तो और एक बात और, यहाँ पे मुझे प्याज पकाने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ जो है वो काफ़ी कम किया था। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कम किया है कुछ रीज़न्स की वजह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में पकाओगे तो और भी टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। मुझे यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कम किया है, और इसलिए मैं पैन में बना रही हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, प्याज का जो है वो जो पानी था वो सूखने लगा है, और धीरे धीरे करके हमें इसे ऐसे ही पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हो प्याज पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमारा प्याज थोड़ा सा पक गया है। तो मैं अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें से सबसे पहले मैं हल्दी यूज़ करूँगी, हल्दी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, तो ऑलरेडी वो येलो था, तो मैंने हल्दी थोड़ी सी बचा ली है, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। उसके बाद मैं डालूँगी धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे चलाते हुए पका लेंगे, ताकि मसाले जो हैं जो मैंने अभी डाले हैं वो पक जाएं। उसके बाद ही मैं कुछ दूसरा मसाला ऐड करूँगी। तो पहले मैं इसे चला के पका लूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा पकाना है हमें इसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि हमें अभी सब्ज़ी बनाने में टाइम है, तो वो तब तक पक जाएगा। तो थोड़ा सा हमने चलाया इसे, उसके बाद हमें ऐड करना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आपको ज़रूर ऐड करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी के अंदर। तो आपको कसूरी मेथी ज़रूर से यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून किया है भर के, तो आप देख सकते हो मैं इसे भी चला दूँगी और पका लूँगी अच्छे से। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और जो गरम मसाला है मैं वो बाद में डालूंगी। तो हमें इसे मसाले के साथ प्याज को अच्छे से थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देना है, और इसे पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्याज जो है वो काफ़ी हद तक पक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर चलाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट यूज़ करूँगी। तो
आप लोग ऐसे ही बिल्कुल बनाना जैसा मैं बना रही हूँ, आप देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी सब्ज़ी। और प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ टमाटर, तो मैं यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्याज को दरदरा रखना है और टमाटर का पेस्ट बनाना है। तो टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और इसे चलाते हुए हमें पकाना है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है सेंधा नमक और इसे मैं इसमें डाल दूँगी और मिला दूँगी। तो नमक डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा चला दिया है, थोड़ा सा पका लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने बहुत कम यूज़ किया है, आप देख सकते हो। तो 2 पिंच जितना गरम मसाला आपको लेना है। और मैं इसमें यहाँ पे गरम मसाला मिलाने के बाद इसे पका लूँगी और इसमें लिड लगा दूँगी। लिड लगा के पकाने से ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा, क्योंकि मैंने तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया था, तो उसकी वजह से मैं इसमें लिड लगा रही हूँ। तो मैं इसमें लिड लगा रही हूँ और इसे देखते रहना है ऊपर से कि ये जले नहीं। तो मैं इसे थोड़ी देर के बाद खोल के चेक करती रहूँगी कि ये पका है या नहीं पका है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपका जल्दी बन जाएगा क्योंकि मैंने इसमें कम ऑयल यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इसे खोल के देखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी पका नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसे फिर से बंद कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए और पका। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा पक गया है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो इस टाइम पे हम इसमें अरबी यूज़ करेंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से चला के पकाते रहेंगे, ताकि ये जो मसाला है ये सारी अरबी में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसमें सबका। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे कितने अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला और बहुत अच्छी दिख रही है सब्ज़ी, खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें धनिया। तो धनिया भी आप डालोगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, तो आप धनिया भी बिल्कुल ना स्किप करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हो ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, ये बहुत अच्छी थी बनी थी गाइस। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना और मुझे बताना कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी थी। मेरी सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, पर आप लोगों की बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी जो अरबी है वो अच्छे से पक जाए, तो आप उसे बंद कर दो, उसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करना। तो आप देख सकते हो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और ये बहुत टेस्टी बनी थी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।